तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में दैट इज व्हाट मेथड ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स, मतलब अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन्स। सो फॉर दैट डियर फ्रेंड्स वेरी फर्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्केन्स। अल्केन्स के हाइड्रोजनेशन से कैसे उसको बनाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये है हमारा फर्स्ट अल्केन दैट इज व्हाट। देखिए 1, 2, 3 कार्बन है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 3 कार्बन होगा तो फिर वो प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह। सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्कीन। तो अगर इस अल्कीन को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2, मतलब H2 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट एंड द हीट। समझ में आ रहा है दोस्तों। इफ वी हम इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ अल्कीन्स आर हीटेड विद द H2 that is hydrogen gas in presence of the nickel catalyst, तो रिस्पेक्टिव क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। वेरी सिंपल। ये जो आपको H2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्शन होगा, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर एंड RCH2 CH3, इस तरीके का ये क्या बनेगा दोस्तों, अल्केन बनेगा। सो दैट इज व्हाट कैसे बना रहे हैं हम लोग दी हाइड्रोजनेशन ऑफ दी अल्कीन्स। सेकंड में देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अब दोस्तों हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हैं। सो कौन सा अल्कीन ले रहे हैं, इथिलीन ले रहे हैं। कौन सा अल्कीन ले रहे हैं, इथिलीन। तो वही अगर H2 उसमें इंसर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, निकेल कैटालिस्ट बहुत अच्छे से इंसर्शन रिएक्शन करता है दोस्तों। आपको कैटालिस्ट का मतलब पता है, द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। तो ये कैटालिस्ट है, आइदर इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और यही H2 का इंसर्शन यहाँ पे करता है टू फॉर्म दी इथेन मॉलिक्यूल दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट, वही अगर हम प्रोपीन मॉलिक्यूल लेते हैं तो सेम इज द केस ओवर हियर, इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पे होगा। प्लैटिनम कैटालिस्ट लेते हैं, हीट करते हैं तो क्या होगा, ये इंसर्ट यहाँ पे होगा एंड प्रोपेन विल बी फॉर्म रेस्पेक्टिव। सो CH विल बिकम द CH2 और CH2 विल बिकम द CH3, क्योंकि यहाँ पर H और H इंसर्ट हो रहा है तो प्रोपेन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है दोस्तों। Now the next method is what the hydrogenation of the alkynes। अब alkynes के hydrogenation से कैसे करते हैं, तो सिंपली एक बात हमको सिंपली याद रखना है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने alkenes का जो किया था, alkenes का हम लोगों ने क्या किया था, तो सिंपली हमें क्या याद रखना है दोस्तों, जिस तरीके से हमने क्या किया था, ये देखिए हम लोगों ने अल्कीन्स में किया था इंसर्शन रिएक्शन, सेम यहां पर भी होने वाला है इंसर्शन रिएक्शन। बट फर्क क्या है यहाँ पर, आपको यू हैव टू टेक द 2H2, आपको क्या करना पड़ेगा, H2 मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा एंड यू विल गेट द इंसर्शन रिएक्शन। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइंस, सो द रिस्पेक्टिव अल्काइन विल कन्वर्ट इनटू द अल्कीन। कैसे होगा, जैसे एसिटिलीन है तो इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा और कैटालिस्ट तो निकेल है ही। सो दैट इज व्हाट हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्काइंस। नाउ नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ द अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों, RX, R मतलब अल्किल ग्रुप, RX मतलब हैलाइड ग्रुप। तो अल्किल हैलाइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, RH अल्केन और HX मतलब क्या होगा ये कि हेलो एसिड, मतलब अगर यहाँ पे Cl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडीन है तो हाइड्रो आयोडिक एसिड, इस तरीके से हेलो एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, हाइड्रो हेलो एसिड फॉर्म होगा और अल्केन फॉर्म होगा। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की जगह पे अगर हम लोग मिथिल आयोडाइड लेते हैं, दिस व्हाट मिथिल आयोडाइड। सो मिथिल आयोडाइड अगर लेते हैं तो फिर वही 2 हाइड्रोजन मिथेन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा अलॉन्ग विद द हाइड्रो आयोडिक एसिड, क्योंकि मिथिल आयोडाइड है। अगर हम इथिल ब्रोमाइड लेते हैं, इथिल ब्रोमाइड, सो देन व्हाट, इथेन विल बी फॉर्म एंड विद दैट हाइड्रोब्रोमिक एसिड विल बी फॉर्म। क्या बनेगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड बनेगा इथेन मॉलिक्यूल के साथ में। दैट इज व्हाट रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। से भी अल्केन्स को बनाते हैं, कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 को बाहर निकालते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो सॉरी टू से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकालते हैं। हाउ, ये क्या है, इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस व्हाट sodium salt of carboxylic acid when treated with the or when heated with sodium hydroxide, strong रेस है आपको पता है, तो अल्केन बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा ये देखिए RH अल्केन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है और ये क्या इससे क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। द नेक्स्ट केस इन प्लेस ऑफ R अगर हम CH3 लेते हैं तो क्या होगा CH3H मीथेन मॉलिक्यूल बनेगा जैसे हीट करते हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो निकल जाएगा, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बाहर निकला और हमारा रिस्पेक्टिव अल्कीन दैट इज व्हाट मीथेन यहाँ पर बना। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट अल्कीन बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों, है ना। तो चलिए अब हम लोग एक स्पेशल लेते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कीन विद द हेल्प ऑफ वर्ट्ज़ सिंथेसिस। वर्ट्ज़ सिंथेसिस में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं अल्किल हैलाइड को लेते हैं, अल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल, तो वो दो यूज होता है बट सोडियम मेटल, और यहाँ पर अल्किल हैलाइड क्या कर रहा है दो मॉलिक्यूल, सिंपली ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज सिंपली द अल्किल हैलाइड विद सोडियम मेटल। सो RX समझाने के लिए 2Na, सो सीधा क्या बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर RR will combine to form the alkane and 2NaX will be separated out। ये 2NaX बाहर निकला है, 2NaX बाहर निकला और alkane बन गया। So in presence in rather than taking the R that is the general, अगर हम R के जगह पे CH3 लेते that is what मिथिल ग्रुप, तो दो मिथिल ग्रुप कंबाइन होकर क्या बना इथीन बना और इधर अल्टीमेटली आपका बाहर के निकला 2NaBr बाहर निकलेगा। That is the Wurtz synthesis। In presence of dry ether, when alkyl halide reacts with the sodium metal, it forms the alkane as the main product along with the what sodium halide, that is sodium bromide। ये आपका Wurtz synthesis। Now what about the Kolbe synthesis? In this method again the alkane is being produced or the formation of alkane is there। So again the sodium carboxylate, ये क्या है दोस्तों सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा एनोड और कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ अल्केन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और कैथोड के पास क्या होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 क्या होगा इवॉल्व होगा। वही अगर हम R के जगह पे ये क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एक्चुअल एग्जाम्पल। Here sodium acetate when reacts with the water molecule, formation of ethane molecule along with the carbon dioxide gas evolves off, ठीक है ना, निकलता है वहां से और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो इस तरीके से this is what Kolbe synthesis। ये क्या है दोस्तों हमारा Kolbe synthesis है। So these are nothing but the methods of preparation or formation of alkanes, ठीक है दोस्तों, these are what methods of preparation or formation of अल्केन्स। तो जो भी डाउट्स है मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।